हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार एसएससी प्रैक्टिस सेट, जो कि 10+2 के लिए रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को, और समुद्रगुप्त ने कविराज की उपाधि धारण की थी। हूणों का आक्रमण गुप्त शासक स्कंद गुप्त के शासनकाल में हुआ था, और चंद्रगुप्त द्वितीय में नवरत्नों में चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में सबसे प्रसिद्ध थे कालिदास। और कहेगा कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन थे? तो श्रीगुप्त थे। और गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक कहेगा तो चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएंगे। गुप्त वंश के संस्थापक होता है श्रीगुप्त, वास्तविक अगर लगा देगा तो चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएंगे। दो नंबर क्वेश्चन है, भोपाल में गैस त्रासदी दुर्घटना किस गैस के रिसाव के कारण हुआ? भोपाल में मेथाइन आइसोसाइनेट रिसाव हुआ था। अब डेट पूछेगा तो 3 दिसंबर 1984 को। आगे देखेंगे, तीन नंबर क्वेश्चन है, शक सनवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम महीना कौन होता है? शक सनवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम महीना कहेगा तो फागुन हो जाएगा, और पहला महीना होता है चैत। शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने शुरुआत किए थे। चार नंबर है, भारत राज्यों का संघ होगा यह तथ्य संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है? अनुच्छेद 1 में। दाल में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो प्रोटीन पाया जाता है। एक क्वेश्चन आता है कि किससे हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? तो विटामिन से हमें ऊर्जा नहीं मिलती है, और तत्काल ऊर्जा के लिए हमें कार्बोहाइड्रेट का जरूरत पड़ता है। आगे देखेंगे, छः नंबर हो जाएगा, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है? राणा प्रताप सागर बांध जो है चंबल नदी पे राजस्थान में स्थित है। वही कहेगा कि सतलज नदी कहाँ से निकलती है? तो तिब्बत के राक्षसथल झील से निकलती है, और सिंध नदी निकलती है तिब्बत के पठार से, नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक के पहाड़ी से। सात नंबर क्वेश्चन है, विजय स्तंभ का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? विजय स्तंभ के निर्माण करवाया गया था राणा कुंभक द्वारा, और ये कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में, राजस्थान में। शिवाजी का जन्म हुआ था 1627 ईस्वी में सीवनेर में, और इन्होंने अपनी राजधानी रायगढ़ में बनाई थी। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून में, और उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया था 9 नवंबर 2000 ईस्वी में। आगे देखेंगे, 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? देहरादून में। बद्रीनाथ धाम किस नदी पर स्थित है? बद्रीनाथ जो धाम है अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है, और देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी के मिलन होता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम कहाँ पर स्थित है? देहरादून में। आगे देखेंगे, 12 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, जिम कार्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में है? ये उत्तराखंड में है, और इसकी स्थापना हुई थी 1935 में, और ये भारत का पहला पार्क था, और अब इसका नाम चेंज हो गया है, रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। सांची के स्तूप का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? सांची के स्तूप का निर्माण किए थे मौर्य वंश के शासक अशोक ने, और सांची का स्तूप जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। कनिष्क जो थे कुषाण वंश के सबसे प्रतापी राजा थे, और जो कि तीसरा थे। अगाधशत्रु का उपनाम जो था कुणिक था। चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे। अगाधशत्रु का उपनाम जो कि कुणिक था, वे हरेक वंश के संस्थापक थे। जल संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है 19 नवंबर को। वही कहेगा बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर। विश्व मधुमेह दिवस कहेगा तो 14 नवंबर को मनाया जाता है, और वही बाल संरक्षण दिवस कहेगा तो 20 नवंबर को मनाया जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, वर्धांध व्यक्ति को किस रंग में फर्क करने की क्षमता नहीं होती है? जिसको वर्धांता रोग हुआ होता है उसको कौन कौन से रोग में अंतर नहीं पता चलता है? लाल एवं हरा में। संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी देश होते हैं? संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी देश होते हैं, जो कि है ABR CF, यानी कि ए से हो जाएगा अमेरिका, बी से ब्रिटेन, आर से रूस, सी से चीन, और एफ से हो जाएगा फ्रांस। और संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में अस्थायी कहेगा तो 10 देश होते हैं,
और इनका कार्यकाल होता है जो 2 वर्ष के लिए चुना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया था 24 अक्टूबर 1945 में और भारत 1945 में यूएनओ का सदस्य बना था। आगे देखते हैं, 17 नंबर हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ से निकलता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आमाशय रस से निकलता है। थायराइड ग्रंथि जो है सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि है और अग्नाशय ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों है। बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है और खाद्य पदार्थ का अवशोषण कहेगा तो छोटी आंत में होता है। तेलानी राम किस शासक के दरबारी कवि थे। तेलानी जयराम जो थे कृष्णदेवराय के दरबारी कवि थे। राजेंद्र चोल ने श्रीलंका पर पूर्ण विजय पाया था। पुलकेशिन देवी कहेगा कि हर्षवर्धन को किसने हराया था। हर्षवर्धन को पराजित किए थे पुलकेशिन द्वितीय ने और पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था, नरसिंह वर्मन प्रथम ने। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान चमोली जिला भारत के किस राज्य में स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। आगे देखेंगे, 20 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक द्वारा करवाया गया था। राष्ट्रकूट के वंश के शासक द्वारा करवाया गया था जिनका नाम था कृष्ण प्रथम और राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कहेगा तो दंती दुर्ग हो जाएगा। पल्लव वंश के संस्थापक हो जाएगा सिंह विष्णु और पल्लव वंश के आपसे राजधानी पूछ देगा तो कांचीपुरम होगा। सातवाहन वंश के संस्थापक हो जाएंगे सिमु के। वही राष्ट्रकूट वंश के अगर राजधानी कहेगा तो मान्यखेत हो जाएगा। पौधे में जल का संवहन कौन करता है। पौधे में जल का संवहन होता है जाइलम द्वारा और खाद्य पदार्थ का संवहन होता है फ्लोएम द्वारा। और कहेगा कि गैस का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है पौधे में, तो रंध्र के द्वारा। सबसे ज़्यादा विटामिन ए किस खाद्य पदार्थ में मिलते हैं। सबसे अधिक विटामिन ए मिलता है गाजर में और लाइकोपिन के कारण टमाटर का जो रंग होता है लाल होता है। आगे देखेंगे, 23 नंबर हो जाएगा, लोनार झील किस राज्य में स्थित है। लोनार झील जो है महाराष्ट्र में स्थित है। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है, रुड़की में। और भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहेगा तो देहरादून में स्थित है। महिलाओं में सेकेंडरी सेक्सुअल लक्षण किस हार्मोन के कारण दिखाई देता है, एस्ट्रोजन के कारण। आगे देखेंगे, 26 नंबर क्वेश्चन है, चक्रवात की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है। चक्रवात के उत्पत्ति का मुख्य कारण हो जाएगा निम्न दाब। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, धर्मपाल के द्वारा। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कुछ ऑप्शन दिया गया है, उदंतपुरी मठ के कहेगा स्थापना किसने किया था तो देवपाल। उदंतपुरी मठ का स्थापना किए थे देवपाल और उदंतपुरी विश्वविद्यालय का स्थापना कहेगा तो गोपाल हो जाएगा। यक्षगान जो है, यक्षगान नृत्य भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध है। यक्षगान नृत्य कर्नाटक के प्रसिद्ध नृत्य है। तमाशा कहेगा तो महाराष्ट्र का हो जाएगा। कथकली और मोहिनीअट्टम हो जाएगा केरल का और भरतनाट्यम नृत्य हो जाएगा तमिलनाडु का। सूरीनाम का पुराना नाम क्या है, सूरीनाम का पुराना नाम हो जाएगा डच गुआना और घाना का पुराना नाम हो जाएगा गोल्ड कोस्ट। आगे देखेंगे, 30 नंबर क्वेश्चन है, किस फसल को हरित सोना के नाम से जाना जाता है। चाय को हरित सोना कहा जाता है और पर्टेनियम को सफ़ेद सोना कहा जाता है। फांसीवाद के सबसे बड़ा समर्थक कौन था। फांसीवाद के सबसे बड़ा समर्थक थे मुसोलिनी और वही कहेगा कि नाजीवाद के समर्थक कौन थे, तो हिटलर। और कहेगा कि विंस्टन चर्चिल किसने गांधी जी को नंगा फकीर कहा था, तो विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को नंगा फकीर कहा था। और प्राकृतिक की ओर वापस जाओ किसने नारा दिया था, रूसो ने। रूसो का नारा था प्राकृतिक की ओर वापस जाओ और वेदों की ओर वापस जाओ किसने नारा दिया था, तो दयानंद सरस्वती। नाजीवाद का सबसे बड़ा समर्थक कौन था, हिटलर। अब फांसीवाद की कहेगा तो मुसोलिनी। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा 33 नंबर, चिकन पॉक्स किसके कारण होता है। चिकन पॉक्स होता है विषाणु के कारण। विषाणु के खोज किए थे 1892 में यूनास्की ने जो कि रूस देश के थे। बारदोली सत्याग्रह का समर्थन किसने किया था, किसके द्वारा किया गया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। और उसी आंदोलन में महात्मा गांधी की तरफ से वहां के महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी। आगे देख लेते हैं, 35 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसका प्राथमिकता दी गई थी।
प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई थी और दूसरी में कहेगा तो बड़े उद्योग को दी गई थी। शिक्षा जो है समवर्ती सूची में आती है, शादी भी समवर्ती सूची में आती है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को किस नाम से जाना जाता है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को मेघना के नाम से जाना जाता है। और बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नाम के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। भागीरथी और अलकनंदा कहेगा कि मिलन कहाँ होता है? तो देवप्रयाग में होता है। आगे देख लेंगे 37 नंबर, भारत का प्रथम जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन है? नीलगिरी। और इन जीव मंडल नीलगिरी को कब बनाया गया था? 1986 में। सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1857 में। और कहेगा कि मुंबई मद्रास और कोलकाता उच्च न्यायालय का गठन कब किया गया था? 1862 में। टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? भागीरथी नदी पर। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर स्थित है। 40 नंबर हो जाएगा, भोजन की ऊर्जा को किस में मापा जाता है? भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है कैलोरीज में। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? सापेक्षता के सिद्धांत दिए थे आइंस्टीन ने। और इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1921 में। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? 8 अप्रैल 1857 में। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, त्रिपुरा राज्य की राजधानी कहाँ है? त्रिपुरा राज्य की राजधानी हो जाएगा अगरतला। शिलांग जो है मेघालय राज्य की राजधानी है, वही हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर और कोहिमा हो जाएगा नागालैंड का। 2 नंबर है, विश्व में एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क किबुल लामजाओ किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में। मिजोरम राज्य के गठन हुआ था 1987 में। मेघालय राज्य का गठन हुआ था 1972 में। और सिक्किम राज्य का गठन कहेगा तो 1975 में हुआ था। अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। और वही अर्थशास्त्र पुस्तक के कहेगा लेखक कौन है? विष्णुगुप्त, जिनका उपनाम कहेगा तो कौटिल्य भी था, चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त। आगे देखेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, स्वेज नहर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? स्वेज नहर का निर्माण हुआ था 1869 में। और स्वेज नहर बनना स्टार्ट हुआ 1854 में और बन के तैयार हुआ था 1869 में। और इन स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कहेगा कब हुआ था? 1956 में राष्ट्रीयकरण किया गया था कर्नल नासिर के द्वारा। स्वेज नहर का लंबाई कहेगा तो 168 किलोमीटर है। और बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में और बंगाल का विभाजन रद्द किया गया था 1911 में। हर एक राजा बिम्बिसार की राजधानी कहाँ थी? राजगिरी। और मौर्य वंश के कहेगा राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र। गोवा को किस वर्ष पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया था? 1961 में। और गोवा राज्य के गठन कर देगा तो 30 मई 1987 को हुआ था। IDBI बैंक का स्थापना हुआ था 1964 में और BSF की स्थापना हुआ था 1965 में। गेटवे ऑफ इंडिया जो कि मुंबई में है उसका स्थापना हुआ था 1911 में। आगे देखेंगे, 7 नंबर हो जाएगा, विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा की इकाई हो जाएगा एम्पियर। वही कहेगा शक्ति की इकाई तो वाट हो जाएगा और कार्य ऊर्जा की इकाई हो जाएगा जूल। सूर्य का दीप्त सतह जिसे हम देखते हैं क्या कहलाता है? फोटोस्फीयर। सूर्य के दीप्त सतह को फोटोस्फीयर कहा जाता है। कौन सी नदी पश्चिम दिशा में बहती है? नर्मदा नदी जो है पश्चिम दिशा में बहती है और नर्मदा नदी अमरकंठक के पहाड़ी से निकलती है। गोदावरी नदी निकलती है नासिक के त्रियंबक गांव से। कावेरी नदी निकलती है कर्नाटक के ब्रागिरी के पहाड़ी से। गंगा नदी कहेगा तो उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है। आगे देखेंगे, 10 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, CTBT का पूर्ण रूप क्या है? CTBT का पूर्ण रूप हो जाएगा कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी, जिसका गठन किया गया था 1996 में। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। और आगरा शहर का गठन किए थे सिकंदर लोदी। और 1504 में किए थे आगरा शहर गठन किए थे सिकंदर लोदी। और कहेगा कि शेरशाह का मकबरा कहाँ पे है? तो सासाराम रोहतास जिला बिहार में। इन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड के निर्माण किए थे। कुतुबुद्दीन ऐबक का कहेगा राजधानी कहाँ है? तो लाहौर हो जाएगा। आगे देखेंगे, 12 नंबर क्वेश्चन है, तुलू वंश की स्थापना किसने की थी? तुलू वंश का स्थापना किए थे वीर नरसिंह ने।
और कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की इसे, और गुलाम वंश का दास वंश भी कहा जाता था, गुलाम वंश को दास वंश भी कहा जाता था, जिसका स्थापना किए थे कुतुबुद्दीन ऐबक और इन्होंने अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी। दो न्यूरॉन के बीच की जगह क्या कहलाती है? साइनेप्स। त्रिपुरा राज्य की प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? त्रिपुरा राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री हो जाएंगे सचिंद्र लाल सिंह, और झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कहेगा तो बाबूलाल मरांडी हो जाएंगे। आगे देखेंगे, आगे कुछ हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से कौन सा तत्व पाया जाता है? हाइड्रोजन। और फास्फोरस को जल में रखा जाता है। रूस के पूर्व शासकों को किस नाम से जाना जाता था? रूस के पूर्व शासक को जार के नाम से जानते थे, और रूसी क्रांति हुआ था 1917 में, जिसका नेतृत्व किए थे बीएस लेनिन ने। आगे देखेंगे, 17 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, पहला अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर किस वर्ष कदम रखा था? 1969 में, और 1991 में सोवियत संघ के विघटन हुआ था। नील आर्मस्ट्रांग अमेरिका देश के थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई थी? कृषि को, और दूसरा में उद्योग को दिया गया था। राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 1 जुलाई को, और विधान चंद्र राय के जन्मदिवस पर मनाया जाता है। आगे देखेंगे, 20 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, कार्बन के अपरूप हैं, कार्बन के अपरूप हो जाएगा हीरा। सोना कहेगा परमाणु क्रमांक कितना है? तो 79 हो जाएगा, और इसका संकेत होता है AU। प्लेटेनियम को सफ़ेद सोना के नाम से जाना जाता है। इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में। भारत का 29वां राज्य कौन हो जाएगा? भारत का 29वां राज्य है तेलंगाना, जिसका गठन किया गया था 2 जून 2014 में। जैविक स्वर्ग किसे कहा जाता है? जैविक स्वर्ग कहा जाता है सैंडविच द्वीप को। आगे देखेंगे, 24 नंबर हो जाएगा, भारत का पहला नाभिकीय शक्ति स्टेशन कौन सा है? तारापुर हो जाएगा, जो कि महाराष्ट्र में है। काकरापारा कहाँ स्थित है? गुजरात में। नरोरा हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कल्पक्कम हो जाएगा तमिलनाडु। त्रिपुरा राज्य में कितने ज़िले हैं? त्रिपुरा राज्य में 8 जिला है, और खर्ची त्यौहार जो है त्रिपुरा राज्य में मनाया जाता है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के लंबाई और चौड़ाई का अनुपात हो जाएगा 3:2, और भारत का राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। आगे देखेंगे, 27 नंबर है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? मोहम्मद शाह, और इनके शासनकाल में नादिर शाह ने 1739 में भारत पर आक्रमण किए थे और मयूर सिंहासन को लूटकर लेके चल गए। शांति निकेतन कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में, जिसका गठन किए थे रविंद्रनाथ टैगोर ने 1901 ईस्वी में। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 29 नंबर है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुआ था 1948 में, जिसका मुख्यालय है जिनेवा, और UNO के गठन किया गया था 1945 में, 24 अक्टूबर 1945। राष्ट्रीय विकास परिषद के कहेगा गठन कब हुआ था? 6 अगस्त 1952 में, और कहेगा केंद्रीय संख्यांकी संगठन यानी CSO का गठन कब किया गया था? अप्रैल 1951 में। चंदन वृक्ष के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? कर्नाटक, और प्याज उत्पादन के लिए महाराष्ट्र हो जाएगा, और मसाला उत्पादन के लिए केरल हो जाएगा। सूर्य के चारों ओर प्रकाशित रंगीन बलय क्या कहलाता है? कोरोना, और सूर्य के दीप्त सतह को कहा जाता है फोटोस्फीयर। आगे देखेंगे, 32 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने पेशवा के साथ किस संधि पर हस्ताक्षर किया था? बेसिन के संधि पर हस्ताक्षर किए थे। बेसिन के संधि अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के बीच में हुआ था, जो कि 1802 ईस्वी में हुआ। वर्षाय के संधि के तहत प्रथम विश्व युद्ध को ख़त्म कर दिया गया था, जो कि 1919 में हुआ था। और पुरंदर की संधि हुआ था जय सिंह प्रथम और शिवाजी के बीच में 1665 ईस्वी में। चोरोलाम नामक बांस नृत्य का संबंध किस राज्य से है? चोरोलाम नामक बांस नृत्य त्रिपुरा में किया जाता है। आगे हो जाएगा, 34 नंबर क्वेश्चन है, त्रिपुरा राज्य का लिंगानुपात कितनी महिलाएं प्रति 1000 पुरुष हैं? 960 है, और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कहा जाएगा तो केरल हो जाएगा, जिसमें 1000 पुरुष पे 284 महिलाएं हैं।
और कम हो जाएगा हरियाणा। 35 नंबर क्वेश्चन है, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मई को। और विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है 8 मई को। और विश्व रेड क्रॉस की स्थापना किए थे हेनरी ड्यूनेंट ने, कब किए थे? तो 1863 में। और भारतीय रेड क्रॉस का स्थापना हुआ था 1920 में। आगे देखेंगे, 36 नंबर हो जाएगा, हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे अवस्थित है। हड़प्पा स्थित है रावी नदी के तट पे, और मोहनजोदड़ो कहेगा तो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। 1857 के आंदोलन के सरकारी इतिहासकार कौन थे? एसएन सेन। आगे देखेंगे, 38 नंबर हो जाएगा, कबीलों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? ठक्कर बापा ने। पहली बार आदिवासी शब्द के प्रयोग किए थे ठक्कर बापा। सरदार पटेल ने 1928 में बारदोली सत्याग्रह के नेतृत्व किए थे। और राज्यसभा के लिए एक तिहाई सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं? 2 वर्ष में। राज्यसभा के लिए एक तिहाई सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। आगे देखेंगे, 40 नंबर हो जाएगा लास्ट क्वेश्चन, पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? शिव कुमार शर्मा संतूर बजाते थे। और पन्नालाल घोष कहेगा तो बांसुरी बजाते थे, बिस्मिल्ला खां शहनाई बजाते थे, और बीजी कृष्ण नटराजन कहेगा तो वायलिन बजाते थे। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, और वीडियो के लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा था लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और कुछ सुझाव एवं सलाह देना हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू।